बात करते हैं दिवाली की। कोरोना काल के बाद की दिवाली अपने साथ एक नई उमंग, नई खुशी और नया तरीका लेकर आई है, एक नई तमन्ना लेकर आई है। वो तमन्ना है जीने की। इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग मार्केट में जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। बाजारों की रौनक जैसे एक बार फिर से वापस लौट आई है। इससे दुकानदारों के दिन भी बदल गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। दिवाली पर सजे बाजार, बाजारों को मिले खरीदार, लोग जमकर कर रहे खरीदारी, कुम्हारों को मिला अच्छा रिस्पॉन्स। कुम्हारों की हैप्पी होगी दिवाली। कोरोना महामारी के बाद यह दीपावली बाजार में खुशियों की बहार लेकर आई है। पिछले साल जहां त्योहारी सीजन में बाजार पर कोरोना का झटका लगा था, तो वहीं इस बार बाजार में उमड़ी भीड़ ने पिछले साल के झटके को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। व्यापारी और दुकानदार को पूरी उम्मीद है कि इस बार दीपावली पर पिछले कई साल की तुलना में ज्यादा व्यापार होगा। इस बार कुम्हारों को भी इस दिवाली से बहुत उम्मीदें हैं। तो जी, अब दिए ही बन रहे हैं। आगे जो पहले जो त्योहार चले गए हैं पिछले वाले, तो उनका तो हो गया है। अब दिए जो से हैं वो बनाए जा रहे हैं। अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग डिजाइन के हैं। जैसे जैसे लोग डिमांड करते हैं उसी हिसाब से बना रहे हैं। अब दिक्कत तो जी सारी चीजों की आ गई है। मिट्टी की भी है, बनाने की भी है, पकाने की भी है, आगे फिर बेचने की भी है। दिक्कत तो हर चीज की है। अगर अलग से कोई मार्केट वगैरह हो तो थोड़ा सा अच्छा है कि उसके अंदर फिर अगे बच्चे भी ध्यान। अब हमारे तो बड़े बुजुर्ग जो से थे वो भी यही काम करते चले गए हैं। हम भी आगे से 25 साल तो मुझको भी हो गया काम करते हुए। आगे बच्चे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से कि आगे दिक्कत होगी है ज्यादा। अब मार्केट के अंदर जगह नहीं मिलती है बेचने की, घर में बनाने के लिए जगह नहीं होती है, मिट्टी की भी बड़ी दिक्कत आती है। जैसे गवर्नमेंट जो से है इनको डेयरी वालों को जगह दे रही है अलग से शहर से वो करने के लिए, गंदगी हटाने के लिए। तो हम चाह रहे हैं कि हमें भी कोई ऐसी जगह मिल जाए यहाँ पे कोई रोक टोक ना हो। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा फर्क तो है। बाकी अब कुछ दो तीन सालों से कुछ थोड़ा सा ध्यान इनकी तरफ गया, लेकिन फिर भी काफी लोग बाग हटते जा रहे हैं इस चीज से ना। आगे बच्चे नहीं कर पाते इस चीज को, उनको दिक्कत होती है इसलिए ही नहीं कर पाते हैं। अब वो सोचते हैं कि सारा दिन हम मेहनत करते हैं, उसके बाद जा करके हमें बेचने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, ठीक ढंग से हमारा सेल नहीं हो पाती है, तो इस वजह से फिर वो इस काम से दूर।